दिस इज डॉक्टर आरती हियर फ्रॉम पेन केयर क्लिनिक जरकपुर चंडीगढ़। आज हम बात करने वाले हैं एक पेशेंट के बारे में जिनको डिस्क प्रॉब्लम थी ही काफी टाइम से और जिन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया। सो फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट एमआरआई रिपोर्ट। ये इनकी एमआरआई रिपोर्ट है और इनको कब से आपको पेन हो रही थी पुनीत? 8 महीने से हो रही थी। ओके ओके सो हाँ जी, क्या नाम है आपका? पुनीत मैम। ओके पुनीत, क्या दिक्कत हो रही थी आपको? 8 महीने से मुझे ना पूरी पेन हो रही थी कमर से लेकर टांग तक। अच्छा, थोड़ी दिक्कत हो रही थी। जैसे तो आप आए कहाँ से पुनीत? सोलन से। सोलन से, ओके। तो फिर आपको पेन, आप काम किस टाइप का करते हो? जैसे ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हो, लॉन्ग सिटिंग्स रहती हैं, लंबे लंबे टाइम के लिए बैठना पड़ता है, ड्राइव करना पड़ता है। तो हुआ क्या था फिर पुनीत? मैम पता नहीं, मैम हल्की हल्की पेन स्टार्ट हुई शुरू में, फिर ज्यादा बढ़ती गई ज्यादा बढ़ती गई, फिर सोलन में दिखाया मैम, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया। सोलन में क्या बोला उन्होंने? कुछ नहीं मैम, उन्होंने दवाई बोला खाते रहो नहीं तो उसका फिर सर्जरी इलाज है ये बताया उन्होंने। फिर हम एक जगह सुंदर नगर गए थे, फिर उन्होंने तो डायरेक्ट सर्जरी के लिए बोल दिया था मैम। अच्छा, हाँ जी। तो फिर आपने मेडिसिन खाई इसके लिए? हाँ जी, मैंने मेडिसिन 6-7 महीने लगातार मेडिसिन खाई पर कोई रिलीफ नहीं लगा। नहीं मैम, मतलब खाते थे तो पेन कम रहती थी? पेन वाली दवाई खाते थे तो पेन कम रहती थी, बाकी नहीं दर्द कम रहती थी नहीं रहती। हाँ जी। तो फिर आपको क्या लगा, मतलब कि अब क्या करना चाहिए? मैं एक बार तो सोचा सर्जरी करवा लूंगी। ओके, हाँ जी। फिर बाद में एक आपकी एड देखी थी, फिर यहाँ पे आया। एड देखी थी फेसबुक पे? हाँ जी। ओके, तो फिर आपने क्या किया मतलब? फिर मैम 1-2 दिन यहाँ कॉल करी, उसका 3-4 दिन बाद यहाँ आ गया। ओके, तो हमने आपको जैसे बोला था कि आपको थोड़ा स्टे करना पड़ेगा यहाँ पे, तो आप यहाँ कितने दिन रुके? जैसे मुझे मैम 6 दिन है मैम। ओके, तो और आपके 6 दिन में यहाँ पे रुकने के बाद मतलब पेन अब बिल्कुल पेन नहीं है? तो 100% रिलीफ है? हाँ जी। बिल्कुल भी कहीं भी पेन नहीं है? बिल्कुल पेन। ओके, तो आपको मतलब देखो जैसे यहाँ पे रुके हैं आप, तो आपको कैसा लगा मतलब यहाँ पे रुके? ठीक लगा मैम, ऐसा लगा कि रुक के कोई फायदा हुआ। फायदा हुआ है? हाँ जी। और यहाँ पे रहने में कोई दिक्कत नहीं आई? कम्फर्टेबल स्टे रहा आपका? ओके, तो होता गया। एक्चुअली जनरली हम लोगों को बोलते हैं, दूर से आते हैं ना जो लोग, तो उनको बोलते हैं कि स्टे करना पड़ेगा, तो आधा टाइम लोग क्या करते हैं कि स्टे नहीं करते हैं, अप डाउन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको भी पता, आप इतनी सिटिंग लॉन्ग जाएंगे, बैठ के आएंगे फिर जाएंगे, उतने में वो जितना हम करेक्शन करते हैं, डिस्क स्पेस इनका देखा आपने काफी कम हो चुका था, 7 बचा हुआ है कई जगह पे, तो L4 L5 पे इनका काफी ज्यादा कम था। L4 L5 पे ही सबसे कम था, इवन L3 L4 L5 S1 पे भी काफी कम था, तभी इनको सर्जरी के लिए रेकमेंड किया था। तो होता गया, जब हम ट्रीट करते हैं पेशेंट को, जो नर्व जहां से निकल रही होती है, जहां पे डिस्क वो दबा रही होती है, उसको उस स्पेस को खोलते हैं। तो मेथड उसके दो ही हैं, या तो आप सर्जरी करवा लीजिए उसको खुलवाने के लिए, या फिर आप नेचुरल तरीके से जैसे हमने किया है, आपको इसमें कोई पेन भी नहीं हुई ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, कोई पेन फील नहीं हुई, बिल्कुल इजीली आपको लगा कि आपका पेन गायब हो गया। और आप कोई मेडिसिन दी हमने आपको यहाँ पे? नहीं, एक दी थी पर वो सिर्फ उसके लिए थी मैम, विटामिन कैल्शियम वाले। वो तो कैल्शियम विटामिन, वो पेन के लिए नहीं, 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 पेन वाले। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब आप बिना मेडिसिन के जब आपका पेन खत्म होता है, दैट मींस कि वो 100% जड़ से खत्म हो रहा है। हाँ जी। मतलब आपने किसी भी टाइप का कोई आयुर्वेदिक या कुछ भी इस टाइप का यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया आपको? हाँ। और बिल्कुल नेचुरल तरीके से हमने इनकी नस पे जो प्रेशर पड़ रहा था वो हमने रिमूव कर दिया, और ही इज फीलिंग 100% पेन फ्री। तो लोग झिझकते हैं कई बार ना, कि सोचते हैं रुकना पड़ेगा, आज हफ्ता नहीं है, लेकिन उसके बाद जब सर्जरी हो जाती है ना, फिर वैसे ही बैठना पड़ता है इतने टाइम के लिए। वो आपको भी समझ में आया होगा कि सर्जरी करवा ली तो उसके बाद रेस्ट करना पड़ता है, रेस्ट करना पड़ता है। पर अभी देखो, इन्होंने हफ्ते भर में करवा लिया, काफी यंग एज के पेशेंट है, एंड ही इज टोटली पेन फ्री नाउ। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे बाकी के लोगों को, जैसे इतने लोग सफर कर रहे हैं एक्चुअली डिस्क? दूर से आते हैं तो ठीक लगा मैम आया कि पेन रिलीफ मिला मैम, ऐसा नहीं है कि आके कोई पैसा वेस्ट किया मैम, ठीक है मैम सब कुछ बढ़िया था, टोटल पैसा वसूल। हाँ जी। लेकिन वही है ना कि लोग जब अप डाउन करते हैं ना, सीरियसली नहीं लेते हैं, कभी आगे नहीं आगे। अप डाउन तो हम कर ही नहीं सकते, 4 घंटे का ट्रेवल है मैम, लोग उसमें भी सोचते हैं नहीं कर ही लेते हैं।
बल्कि यहाँ स्टे करके पैसा भी कम वेस्ट होता है और जल्दी ही आप ठीक हो जाते हैं। हाँ जी ठीक है, और बाकी सब सेटिस्फाइड कंप्लीटली है ना? ठीक है, थैंक यू।